हलो जैसा पद पर आदेश मिला है हेलो लोकगीत और भगवान काना की चक्कर गुजरिया करने के लिए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले लोकगीत सुनते हैं आप। परम सम्मानीय हमारे बड़े बाबा जी, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भैया। ग्राम सिरवानी से हमारे बहन भाई के बड़े भैया, हमारे परम सम्मानीय बड़े बाबा जी, हमारे शिवम भाई जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं, आपके लिए 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं भैया। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे हैं। एक देसी लोग की सुनेंगे, उसके बाद में प्रयास रहेगा भैया कोर को लोग की सुनाने की आपको। बात एक समय की है, हमारे एक मित्र की अभी कुछ दिन पहले भैया शादी हुई, तो लगन पत्रिका लेकर हमारे पास पहुंचा। कहा भैया हमारी शादी तय हो चुकी है, आपको शादी में आना है और शादी का पूरा कार्य का संभालना है। ये हो तो आज देखिए पंडित जी ने जो दिन तारीख जो तिथि बताकर गए सारी बात हमको बता रहे हैं। और कहा भैया
कहा भैया तीज को तेल चौथे को मड़वा कहा भैया पंडित जी ने सारी दिन तारीख बताकर चले गए हैं आपको आना है और शादी में सारा कार्य संभालना है तीज को तेल चौथे को मड़वा कहा भैया अरे पंडित जी जा के चले गए शादी होने के बाद भी भैया हमारे साथ राम सत्ता में भी आता था भी शादी के कारण ही नहीं आ पाया हुआ। हमने कहा भैया घर में सब बढ़िया है। बोले भैया क्या बताऊं? मैंने कहा ऐसा क्या होगा? तो अपनी दास्तान सुनाता कहा भैया लग गई भैया अपनी लुड़िया। जिसके कारण आप ऐसा बोल रहे हैं भैया बताता हूँ। बोले क्यों हुआ? लग गई भैया भैया मिली धनिया नी अपनी बढ़िया पंडित जी जय हो जा कह के चले समय को देखते हो कौन कौन लोग भी सुन गया कहा हो भैया समझ आपको आ गई हो तो मुझे ताली बजा दो, मेरे को तो नहीं आती। कहा हो नवो सागो यार हो रा बाहों में जोड़े नवे नवो सागो जोरदार ताली बजा भैया। अभी तक आपने कोरस करते ढोलक बजाते हुए सुना है। अब अपना मनीष बाबा का नृत्य देखेंगे। शर्माए नहीं, साल में एक बार आता जाए भी है जल्दी। बिल्कुल स्वागत है जल्दी। जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। अब नंबर नहीं आ गया अपना। फोन करते हमारे गांव में बहुत सुंदर माता रानी के दरबार में मेला
लगा हुआ है। आप बस में वेट कराइए, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। कहा जिया जी उतरना कहा है? हाँ देखिए जिया जी कहते हैं अपनी साली से कि है साली। अरे लाल लाल साड़ी वाली हो मेरी साली, गुजरिया। इसके बाद श्री महावीर मंडल सोया जय मंडल के समीप आ जाए भैया, आपका 2 मिनट से भैया। तो आज देखिए भगवान कान्हा अपनी टोली बनाकर गुजरिया के घर में घुस जाते हैं, घर सुना पाकर। तो आज जैसे ही सिंगे पे धरी मटकिया को उतारते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए कहा भैया, अरे धीरे धीरे खोल कोई सुना ले। खोलने का मतलब है मटकी का ढक्कन। कहा धीरे धीरे खोलिए वरना आवाज आ गई, गुजरी आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे धीरे धीरे खोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। और अगर ऐसा हुआ तो अरे पकड़ेंगे तो धुनना दे कोई धुनना दे। तो भगवान कान्हा समझाते, कहा डरने की कोई बात नहीं है। क्या बात? अरे हमको किसी का डर नहीं। ऐसे ही हमारे शुभम भाई को चुलबुल पांडे नहीं बोलते। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
और धीरे धीरे बोल कई सुनना ले गुजरिया राह में मिली दहिया लेकर अगले दिन भगवान काना ने जैसे ही देखा गुजरिया से कहा हे गुजरिया ओ दहिया खाने तो मन करता है कहा गुजरिया ओ तेरी मत की पे मन मरता है मंडल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए बजाए दिया विनोद भाई के लिए और दहिया खाने को मन करता तो देखा हो राधा बोलो जगदंबे मैया की जय।